नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आपके लिए आज फिर लेके आया हूं मैं इलेक्ट्रिक सवारी टेम्पो। भाई इसका स्पेशल रिव्यू मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ओकाया द्वारा निर्मित है, तो इसका स्पेशल रिव्यू करने के लिए आज मैं आया हूं भिलवाड़ा ओकाया शोरूम पे, जो कि सोलटेक इंटरप्राइजर के नाम से अजमेर रोड पर है आपका, और विशाल मेगा मार्ट के पास में शोरूम। आपको मैं बाहर से फिर से दिखा दूंगा। तो फिलहाल आप ये समझे कि ओकाया ने लॉन्च कर दिया है अपना सवारी ई रिक्शा। अब आप कोई ऑर्डिनरी कंपनी का लेते हैं तो आपको बहुत ही ब्रांड कंपनी यानी ओकाया द्वारा निर्मित। अब इसमें क्या है, बैटरी ओकाया, मोटर भी ओकाया है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ जो मैन्युफैक्चर होता है वो ओकाया ही करता है। तो स्पेशल इसे भी देखने के लिए आज मैं भिलवाड़ा आया था ओकाया के शोरूम पे, और ये आपको ओकाया के शोरूम पर ही मिलने वाला है और बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो ये इस तरह से कुछ डायमेंशन है, तो उसको आज हम पास से देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और कुछ इस तरह से है, और आप पीछे से आप देख लें इसको पूरा एक ऑलराउंड व्यू। बीच में से इस तरह से जगह है, सर आपको बैठ के दिखाएंगे अंदर, और आप बैठते हैं तो आपकी ओवरऑल लुकिंग कैसी होती है। तो भाई इसमें पीछे चार पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं, यहाँ पे जगह है। अभी ये वाली सीट गाड़ी कंफर्ट आती है, थोड़ी सी ये आपकी कम आती है, थोड़ी सी इसमें स्पेस कम आती है, स्पेस के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से रहता है। तो ये इस तरह से कुछ आपका ई रिक्शा है। एक बार हम इसका ओवरऑल पूरा राउंड लगवा लेते हैं फटाफट से। देखिए फ्रंट से कुछ इसका लुक इस तरह से है। अभी आपको राहुल जी अंदर बैठ के इसकी लाइटिंग ऑन करके दिखाएंगे इस तरह से। तो ये इसकी हैलोजन वाली लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है, और ये इसके कुछ इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो जाते हैं इस तरह से। देखिए ये काफी खूबसूरत इंडिकेटर है, DRL, और बीच में आपको LED वाले इंडिकेटर मिल रहे हैं जो कि आपके यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं इस तरह से कुछ हैं। और ये इस तरह से इसका फ्रंट में पूरा लुक यहाँ पर आपको दिख रहा है। सस्पेंशन तो हैवी है, ग्रीन नेम प्लेट है आपकी, और ये यहाँ पर आपको स्टील वाला दिया है मड गार्ड, और यहाँ पर टायर आपके लगे हैं, स्टील रिंग दे रखी है, स्टील रिंग काफी हैवी आती है, और टायर आपका 375x12, टायर की साइज तो 12 है, बाकी थोड़ा सा वाइडर है इस तरह से। सस्पेंशन टेलीस्कोपिंग मिलते हैं, पर वो भी आपको हैवी है। अभी रोड पर इसकी मैं टेस्ट राइड करूंगा तो आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसका फील आता है। अभी मैंने शोरूम पे इसका एक शॉट लिया है, फिर आपको रोड पर चलिए अंदर आ जाते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और ये आपका रियर ब्रेक यहाँ पर है, और आपका फ्रंट वाला ब्रेक यहाँ पर है। चलिए अंदर इसको ऑन कर लेते हैं फटाफट से। तो ये इस तरह से ऑन हो जाता है, और इसका ये कुछ इस तरह से डैशबोर्ड। अंदर आते हैं डैशबोर्ड में, तो देखिए डैशबोर्ड आपको इस तरह से दिख रहा होगा। डैशबोर्ड अच्छा दिख रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब डैशबोर्ड बहुत ही शानदार है। पहली बार मेरे कैमरे में यहाँ ब्लिंक नहीं हुआ। चाबी है, रिमोट है, टू रिमोट, टू की है। इस तरह आपको लाइटिंग स्विच है, पार्किंग स्विच है, अपर डिपर स्विच है, इंडिकेटर स्विच है, यहाँ पर हॉर्न दे रखा है, और इस तरफ आपको एक रेड कलर का स्विच आपको दिख रहा होगा। और ये ऑन है तो आपका EV आगे रन होगा, और अगर ये ऑफ है तो आगे रन नहीं होगा, चाहे आप एक्सीलेटर यहाँ पर कितना भी आप कर लीजिए। एक सिक्योरिटी फीचर से आप खड़े हैं, मान लो आपका स्कूटर होना, उसको आप ऑफ कर दीजिए, कोई इसको ऐसे करेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दो बटन दे रखे हैं, ये रिवर्स में आपको साइरन की आवाज भी आती है, और इस तरह से कुछ का आगे केबिन है। यहाँ पे टू मेंबर्स आसानी से बैठते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी ऊपर लगा हुआ है, देखिए लाइट भी दे रखी है, इसको आप ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से आवाज आएगी ब्लूटूथ मोड, काफी तेज आवाज आती है ब्लूटूथ मोड। चलिए फटाफट फायर का यहाँ पे आपको दे रखा है इस तरह से। ये इसमें कटन भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो कटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पकड़ने के लिए हैंडल भी दिया हुआ है, अगर आप सवारी अंदर बैठती है तो हैंडल भी दिया हुआ है। पीछे देखते हैं कितनी जगह है, जगह तो काफी सारी है, आपको बताता हूँ उसमें बैटरी कहाँ कहाँ है। भाई दो बैटरी यहाँ पर लगी हुई है इस तरह से, देखिए 12 वाट की है बैटरी, एक बैटरी तो उसमें चार बैटरी, तो 48 वाट हो गया, 135 Ah हो गया, जो कि 100 से 110 किलोमीटर आपको यहाँ पर रेंज देने वाला है 30 से 35 की स्पीड में। लेकिन यहाँ पर भी बैटरी लगी हुई है, ओकाया की बैटरी है, जो कि जेल बैटरी इसमें आती है, वही बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। इसमें आप चाहें तो बैटरी बढ़वा के अपनी रेंज भी यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, जगह काफी सारी यहाँ पर दे रखी है। चलिए इस तरह से हम इसको बंद यहाँ पर कर देते हैं, अंदर ही ओकाया लिखा हुआ है। चलिए पीछे आते हैं, तो यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, एक स्पेयर व्हील यहाँ पर कंपनी द्वारा दिया है स्टील वाला, इस तरह से कुछ इसका स्पेयर व्हील दिया हुआ है, और इस तरह से कुछ इसका बुकिंग है, PT Tax यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। पीछे लगी है इसकी मोटर, जो कि 1000 वाट की होती है, वो लगी है आपको दिख रही होगी इस तरह से, वो मोटर लगी हुई है। मोटर हीटिंग है, मतलब चार और दो छह पैसेंजर का वेट लेके आसानी से, सस्पेंशन भी दिए हुए हैं और कबानी भी दी हुई है, दोनों सिस्टम दिए हुए हैं, सस्पेंशन कबानी, टायर पीछे के दिए हुए हैं 3.75, और वो भी स्टील रिंग में दिए, मतलब ये मजबूत है। व्हील कैप यहाँ पर दे रखी है, व्हील कैप निकाल के दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से यहाँ पर ये है, और यहाँ पे आपको टायर भरना है, टायर का प्रेशर जो भी है वो आप यहाँ पे बुकलेट पढ़ लें, और कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग यहाँ पर रहती है। भाई इसकी टेस्ट राइड लेके हम फटाफट से आते हैं। मिरर भी यहाँ पे दो दे रखे हैं काफी शानदार तरीके से, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसकी वारंटी 1 ईयर रहेगी, और इस तरह से ये ओकाया का भाई ये इलेक्ट्रिक सवारी ऑटो है। अब इसमें एक लोडिंग भी आने वाला है, उसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसकी टॉप स्पीड भाई 35 की
तक चला जाता है। चालाकी देखा गया एक्सपीरियंस, बाकी चलने में काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। छोटी सी टेस्ट राइड भी आपको मैं करके दिखाऊंगा, आप अभी रोड पे उसको लेके जाने वाले हैं। आप इसका ऊपर से टॉप देख लें, टॉप भी काफी इसका हैवी है और मजबूत है। ये ओकाया द्वारा पूरा ही मैन्युफैक्चर है, डिटेक्स नाम से आता है। चलिए टेस्ट राइड लेके आते हैं, बाकी बातें हम यहीं पे फटाफट से करते हैं। भाई शोरूम से लेके हम बाहर आ चुके हैं और आगे आ चुके हैं भिलवाड़ा की सड़कों पर ओकाया ई रिक्शा को टेस्ट करने के लिए। तो कुछ इस तरह से चल रहा है, मोड़ वोड़ वाला कोई चक्कर नहीं है, बस आप चलाइए, बस ब्रेक लगाइए, थोड़ा चलाइए, 32-35 की स्पीड आ जाती है आराम से और चल रहा है। बस हम आगे इसको यू टर्न लेने वाले हैं और ये शहर का ट्रैफिक आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। भाई यू टर्न ले लिया है और इस तरह से देखिए रोड पर ट्रैफिक है। चलिए इस तरह से हम चले, आपको सामने से कुछ व्यू आ रहा होगा, चल रहा है भाई, बड़े अच्छा एक्सपीरियंस है। पीछे मेरा अक्सर एक्सपीरियंस, मोटर की आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे कम आ रही है क्योंकि 1000 वाट की मोटर है, तो आवाज़ काफ़ी कम आ रही है यहाँ पर, तो बढ़िया ही फील आ रहा है। और देखिए इस तरह से आपको रोड दिख रहा होगा यहाँ पर और चल रहा है। अभी पैसेंजर हमने नहीं बिठाया है क्योंकि पैसेंजर कहाँ से लाए, फिर भी हम 2 पिलियन 2 मेंबर आए हैं साथ में, जगह तो काफ़ी सारी है उसके अंदर, अच्छी खासी स्पीड आ रही है, 34 तक ये जा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मोड़ वाला कोई चक्कर नहीं भाई इसके अंदर, बाकी बढ़िया है, ठीक है, अच्छा खासा चल जाता है। तो भाई इसकी छोटी सी टेस्ट लेनी थी हमें, तो वो भी हमने ले लिया आप लोगों के लिए। और देखिए कंट्रोलिंग इसकी इस तरह से हो जाती है कंट्रोल, और ये देखिए काफ़ी आसानी से हमने इसे टर्न ले लिया। और ये देखिए इसमें कलर ऑप्शन भी बता दूँ आपको मैं, ग्रे है, रेड है और इसमें ब्लू है, 3 कलर ऑप्शन है। और जो कि शोरूम के हमारे बाहर खड़े हुए थे, ये हमारा शोरूम भी था। और देखिए वापस हम आ चुके हैं हमारे शोरूम के अंदर, हमने इसको एंटर कर लिया है, मतलब कितनी अच्छी इसकी ड्राइविंग है, हम इसको कितनी आसानी से चला रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो भाई देखिए टेस्ट राइड लेके हम आ चुके हैं, इस तरह से ये ऑटो है और अब रिवर्स भी होगा हल्का सा, आपको रिवर्स लेके हम दिखाएंगे कि देखिए इस तरह से रिवर्स हो जाता है और इस तरह से फॉरवर्ड हो जाता है, इस तरह से कुछ ये यहाँ पर चल जाता है। इसकी टेस्ट राइड यार मैं ले चुका हूँ, बढ़िया चलता है। अभी हमने चलाया था भिलवाड़ा की सड़कों पर, बैलेंसिंग है, टर्न भी लिया तो काफी अच्छा ये यहाँ पर मुड़ा था। ओकाया का भाई ये आपके लिए सवारी रिक्शा लॉन्च हो चुका है, तो ये ओकाया के शोरूम पर मिल रहा है। प्राइसिंग भी इसकी अच्छी है, 1,58,500, ये 1,58,500 में आपको ये मिल रहा है ऑन रोड। फाइनेंस भी इसमें उपलब्ध है, शोरूम से आपको हो जाएगा, जो सोलटेक हमारा जो भिलवाड़ा में शोरूम है अजमेर रोड पे, जो की नियर विशाल मांगा मेगा मार्ट के पास में, ओकाया का ही शोरूम जहाँ पर आपको ओकाया के इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओकाया की बाइक वगैरह जो मिलती है वहीं पर अवेलेबल है। 3 कलर में मिल रहा है, रेड है, ये ब्लू है और एक ये ग्रे कलर है, आपको अवेलेबल है और आसानी से आप यहाँ ले सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए आपको भिलवाड़ा ओकाया शोरूम के नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पर कॉल करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये छोटा सा हमने आपके लिए रिव्यू किया था ओकाया इलेक्ट्रिक सवारी टेम्पो का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लें और वीडियो चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं आपसे अच्छे से किसी, नमस्कार, धन्यवाद।